हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट जो है दी वन ए टू जेड क्रीम हाइड्रा ब्राइट। ये जो क्रीम है ये सितंबर में लॉन्च हुई थी और मैंने अपना हैंड्स ऑन किया है इस क्रीम पे ताकि मैं आपको इसका रिव्यू दे सकूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दी वन ए टू जेड क्रीम जो है ओरिफ्लेम की न्यू लॉन्च है जो सितंबर में हुआ था। इसकी जो प्राइसिंग आप देख सकते हैं 749 की है, बट ये मुझे मिली थी 449 की क्योंकि मुझे 40% का ऑफ मिला था। आप इसे किसी भी ओरिफ्लेम डीलर से ले सकते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का ऑफ मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूं एमआरपी पे चीजें मत खरीदिए, जब आपको ऑफ मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे तब खरीदिए ताकि आपकी सेविंग हो सके। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसमें एसपीएफ 30 दिया गया है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है सन से, और हमें इस क्रीम को लगाने के से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरा शेड जो दिया है वो है पोर्सलिन। इसमें 3 शेड्स अवेलेबल हैं, पोर्सलिन, न्यूड एंड बेज। इसकी जो शेल लाइफ दी गई है वो 3 इयर्स की दी गई है जो कि बहुत बढ़िया बात है। और ये प्रोडक्ट जो है 30 ग्राम का प्रोडक्ट है। यहां पे आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है और इस तरफ इसके इंग्रेडिएंट दिया गया है और इसे कहा गया है कि ये एक टिंटेड फेस क्रीम है और हमें अवॉइड करना है अपनी आई एरिया के पास। सो कुछ इस तरीके की इसकी ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, व्हाइट है और ग्रे से इस पे लिखा गया है। अभी हम इसे खोल लेते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपकी ये पैकेजिंग में आता है, विच इज अ ब्राउन कलर है, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे सिल्वर से लिखा गया है सारी चीजें। सो अगर आप कार्डबोर्ड पैकेजिंग को गुम कर देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मेंशन है वो इस ट्यूब में भी मेंशन किया गया है। जैसे एसपीएफ 30 दिया गया है यहाँ पे आपको शेड मेंशन किया गया है, शेल लाइफ मेंशन किया गया है, प्राइसिंग मेंशन किया गया है, कैसे यूज करना है वो मेंशन किया गया है, इंग्रेडिएंट सारे दिया गया है। ये जो ट्यूब है ये एक नोजल फॉर्म में आती है जो कि बहुत अच्छी बात है हाइजीन पर्पस से। और इसकी जो पैकेजिंग है काफी स्टडी है, काफी अच्छी पैकेजिंग है। सो आप समझ सकते हैं काफी ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूं। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ही थिक है और ना ही वॉटरी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। ये देखिए एक स्पेशल बात जो मैं आपको बताना भूल गई इसके बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्रीम है क्लेम करती है कि ये आप एज अ स्किन केयर भी यूज कर सकते हैं और एज वेल एज मेकअप के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। क्योंकि बहुत ही कम क्रीमों में ऐसा होता है कि हम उसे स्किन केयर के लिए भी यूज कर लेते हैं एज वेल एज मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि स्किन केयर में इसका क्या बेनिफिट है और मेकअप में आप इसे यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट है। पहले हम देख लेते हैं, ये काफी लाइट वेट है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है आपके स्किन में। ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो रही है, कोई भी ज्यादा फोर्स कुछ भी ज्यादा लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई है और अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों के बीच का डिफरेंस कि ये एक रेडिएंट ग्लो दे देता है, मतलब एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देता है आपके फेस पे। ये देखिए आप इजिली मेकआउट कर सकते हैं डिफरेंस। ये देखिए
नाउ अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि हम इसे स्किन केयर के लिए क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें देता है ऑल डे हाइड्रेशन. सेकेंड, हमें प्रोटेक्ट करता है सन से, क्योंकि इसमें SPF 30 है. ये ऑयल फ्री है, स्वेट रेसिस्टेंस है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, तो हमारी स्किन के लिए पोल्यूशन काफी बुरा होता है. बट इस क्रीम में लिखा गया है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमें पोल्यूशन से. एंड डेफिनेटली ओरिफ्लेम एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूं कि इसमें जरूर हमें प्रोटेक्ट कर रहा होगा पोल्यूशन से. मेकअप्स के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें एक रेडिएंट ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है. ये हमारी स्किन को इवन टोन कर देता है. हम इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग, और ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज भी कर देता है, और ये नेचुरल ग्लो दे रहा है हमारे फेस में, और इसकी जो कवरेज है वो बिल्डेबल है. आप इसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर यूज करके इस मतलब कवरेज को बिल्ड कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड पार्ट. आप इसे अप्लाई कैसे करिए, आप इसे पहले अपने फेस पे लगा के डैम्प्ड स्पॉन्ज की हेल्प के थ्रू आप इसे यूज कीजिए, तो आपको ये लाइट मेकअप देगा. अगर आप हेवी मेकअप चाहते हो तो आप इसे अपने फेस पे लगाइए, बट ड्राई स्पॉन्ज के साथ आप इसे अपने फेस पे लगाइएगा, तो ये आपको जो बिल्डेबल कवरेज की बात जो मैं कह रही हूं वो आपको ये जरूर दे देगा. सो ये रहा छोटा सा रिव्यू दी वन ए टू जेड क्रीम का. मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी. आई नो कई लोगों को ये एक्सपेंसिव लग रही होगी कि 749 30 ग्राम, इसमें तो हमें और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ये आपके दो पर्पज सॉल्व कर रहा है, स्किन केयर का एज वेल एज मेकअप का भी. तो डेफिनेटली इसे आप एक बार ट्राई कीजिए और आपको ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगेगा. आप इसे यूज कीजिए और मुझे कमेंट बार में लिखिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा. साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बार में लिख सकते हैं कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उस टाइप की वीडियोस और बनाऊंगी. तो मैं आपको मिलती हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.